गुजरात एटीएस और जोधपुर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एमडीएमए ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। तो अहम खबर इस वक्त की, जहां 50 करोड़ की ड्रग्स के साथ दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो अहम खबर, ये बड़ी कार्रवाई, गुजरात और राजस्थान में सप्लाई किया गया ड्रग्स, जिस पर एक्शन में अब पूरी टीम। तो बड़ी खबर, गुजरात एटीएस और जोधपुर एनसीबी की संयुक्त रूप से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही। तो गुजरात एटीएस जोधपुर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि एमडीएमए ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। तो गुजरात और राजस्थान में ये ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, और इसी को लेकर के ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां आपको बता दें टीम के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। तो एमडीएमए ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एमडीएमए ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। तो गुजरात एटीएस टीम की ये बड़ी कार्यवाही, जहां आपको बता दें गुजरात एटीएस और जोधपुर एनसीबी की ये बड़ी कार्यवाही। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ध्यानचंद फोन लाइन पर हमारे साथ। ध्यानचंद, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बड़ी जानकारी? सिरोही के कैलाश नगर थाना पड़ता है, वहाँ पे बड़ा लोटीवाड़ा गांव है। लोटीवाड़ा गांव में एक खेत है सुनसान, वहाँ पे एक कमरा बनाया था, उस कमरे के अंदर एक फैक्ट्री बनाई हुई जहाँ पे अवैध मादक पदार्थ ड्रग्स तैयार होता था। जहाँ पे रात को जिला पुलिस, सिरोही एटीएस टीम, गुजरात एटीएस टीम और एनसीबी जोधपुर ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के अंदर कम से कम जो ड्रग्स की जो कीमत बाजार में आकी जा रही है वो 50 करोड़ के समथिंग है। बिल्कुल, और आगे की कार्रवाई किस प्रकार से की जा रही है? अभी वहाँ पे तीनों संयुक्त टीमें मौजूद है और आगे की कार्रवाई कर रही है। उस खेत के अंदर जो ज्यादा जो माल है उसकी कीमत कितनी हो सकती है, अभी इसकी कुछ नहीं पता चला जा सकता। और दूसरी बात है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो आगे की कार्रवाई अभी तक जारी है उनके पूछताछ के जरिए। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिरोही जिले में गुजरात एटीएस और जोधपुर एनसीबी टीम की ये कार्रवाई देखने को मिली, जहां एमडीएमए ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। 50 करोड़ के ड्रग्स के साथ दो आरोपी भी अरेस्ट किए गए। वहीं सिरोही जिले में गुजरात एटीएस और जोधपुर एनसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। दोनों टीमों ने मिलकर के एमडीएमए ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की, और जिसके दौरान 50 करोड़ के ड्रग्स के साथ दो आरोपी को हिरासत में लिया गया। बता दें कि शिवगंज के बड़ा लोटीवाड़ा गांव के खेत में अवैध रूप से एमडीएमए ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार ये फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी और ये ड्रग्स गुजरात और राजस्थान के शहरों में सप्लाई किया जाता था। इससे तस्करी में कई लोग जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, और गुजरात एटीएस जोधपुर एनसीबी की टीम जांच करने में जुटी हुई है।